गुड मॉर्निंग गाइस। तो वीडियो अभी सुबह से शुरू कर रही हूँ। आज दिन है शुक्रवार का, तो अभी मैंने खाना बनाने रखा है, तो सोचा आप लोग को थोड़ा दिखा दो क्या खाना पकाया हूँ। और आप सब कैसे हैं जरूर बोलिएगा। और मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, अभी वैक्सीन लगा के तबीयत अच्छा ही है। थोड़ा सा 2-3 दिन थोड़ा कमजोरी लग रहा था, उसके बाद ठीक है। और चलिए क्या पका रही हूँ झटपट से आपको दिखा देती हूँ, फिर मिलूँगी थोड़ी देर बाद। नहा धो के अभी नहाया नहीं है, मैं सोचा पहले खाना पका लेती हूँ उसके बाद नहा लूँगी। और थोड़ा गर्मी गर्मी भी है, दिन को गर्मी लगता है और सुबह शाम ठंडा हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या पका रही हूँ आज। तो देखिए यहाँ मैं बना रही हूँ मछली, फिश, जो भोला मछली बोलते हैं इसको हम, समुंदर में होता है वो वाला मछली है। और इधर ठाकमा के लिए सब्जी बना रही हूँ मैं, एक सिंपल झोल पपीता केला और भिंडी का। रोज सिद्धो भात अच्छा नहीं लगता, तो आज मैंने ये बनाया। और मछली को फ्राई कर कुछ कर लिया है और कुछ अभी यहाँ पे है कर रही हूँ। आज ये बनेगा हम लोग का लंच में मछली और भात, और कुछ बनेगा नहीं आज। तो चलिए खाना पका लेती हूँ, फिर मिलूँगी थोड़ी देर बाद। कोई रेसिपी नहीं दिखाऊँगी इसका, ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाऊँगी बन गया कैसे। तो गाइस लंच मेरा बन चुका है, लंच मेरा पक गया। तो देखिए ये झींग, कल जो सब्जी बनाया था पोस्त तो थोड़ा सा था, करेला का भुजिया। आज बनाया मैंने साग, और ये मछली खट्टा है ये बनाया मैंने माछे टोक। और इधर बनाया भोला माछ का झाल। तो ये मेरा लंच है आज जो बन चुका है, और अभी मैं खा लूँगी। है 1, 2, 3, 4, 5 सब्जी है। तो खा लेती हूँ फिर मिलूंगी आप लोग को थोड़ी देर बाद, खाना खा लूँ। तो गाइस खाना पीना हो गया हम लोग का, खाना खा लिए और अभी आके बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा आप लोग का वीडियो देखेंगे। अभी थोड़ा फ्री हुए हैं, पूरा दिन का खाना वाना बना के काम वाम करके अभी थोड़ा फ्री है, तो अभी थोड़ा बैठे हैं। रेस्ट नहीं करेंगे तो शरीर चलेगा नहीं, तो अभी रेस्ट करना पड़ेगा। और इधर देखिए दीप बैठा है मेरा, मेरे पास दीप, मेरा दीपला खा लिया, अभी सोएगा। वो खाने में बहुत देर लगाता है, करीब उसको 1 घंटा लग जाता है। 1 बजे देंगे तो 2 बजे खा पेटे, बहुत स्लो 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 खाता है। बच्चे लोग आजकल ऐसे ही खाते, मैं तो अपना आप दे देती हूँ कि अपना आप खाए, किसी को खिलाना ना पड़े। लाइट पड़ रहा है, खिड़की नहीं है दरवाजा है, बुलाए तो लाइट आ रहा है वहाँ से। तो चलिए तो अभी रखती हूँ यहाँ पे, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ फिर मिलूंगी शाम को। बाहर निकाल के हवा लगा देने से सूख जाता है, ऑटोमेटिक मशीन है ये सुखा के बाहर निकालता है। थोड़ा सा धूल में फैला दीजिए मुझे, आज थोड़ा लेट धुला है कपड़ा, कपड़ा नहीं उसमें पर्दा दिया है, घर का पर्दा चेंज किया था तो पूजा में धुला नहीं था, तो अभी पर्दा धुल रहा है। पर्दा है, चादर है, तो धुल रहा है। चलिए सो लेते हैं, थोड़ी रेस्ट करूँ फिर वीडियो जरूर देखिएगा मेरा। कैसा लग रहा है वीडियो ये भी थोड़ा बोलिए कमेंट में, अच्छा कि बुरा कि कैसा, इतना अच्छा लगेगा ना। चलिए बाय, शाम को मिलते हैं, चाय में मिलेंगे। तो गाइस आज पूरा शाम को मैं इस घर को, अंजलि वाला घर को ठीक कर रही थी, पूरा इतना धूल निकला इसमें से,
बहुत दिन हो गया नहीं किया था क्लीनिंग। तो देखिए ये सब मैंने ठंडा का कपड़ा निकाला आज, तो धूप में देंगे कल, इसीलिए मैंने सब ये निकाल के फिर अच्छी तरह से, मेरे पास कोई बक्सा नहीं है इसीलिए बैग बैग करके रखना पड़ा है, तो सब बैग को निकाल के झाड़ के फिर मैंने बिस्तर बिछाया। करीब 1-2 घंटा लग गया, देखिए इस तरह से बहुत मेहनत लग जाता है। पूरा अच्छा से क्लीनिंग करके झाड़ के फिर मैंने खाट के नीचे जो सामान था वो सब निकाल दिया मैंने। और इधर देखिए मेरे बेटी का, हम लोग का साइड टेबल नहीं है, एक चेयर है, चेयर में मैंने उसका किताबें, बैग, अंजलि का ये सब रखा हुआ है, उसका जो डेली पढ़ाई का, नेहा का उस तरफ रखा उस घर में, दीप का, नेहा का। तो ये फाइनली इस घर को मैंने साफ किया है। अभी एक दिन मंदिर को भी साफ करना है, मंदिर को सोच रही हूँ कलर करूँगी, हटा के सब भगवान जी को सब निकाल के फिर उसको पेंट करके फिर रखेंगे। पेंट नहीं करेंगे तो बहुत दिन हो गया पेंट नहीं किया, पॉलिश करा हुआ चीज़ है, तो क्या करूँ इसको, पॉलिश कैसे करूँ आता नहीं है, तो देखती हूँ, सोच रही हूँ पेंट करूँ, पॉलिश नहीं तो दुकान में देना पड़ेगा। ये है मेरा मंदिर, संध्या हो गया है अभी, करीब 7 बज रहा है। और तो ये तो मेरा अलमारी है, देखिए तो इस घर का पूरा फाइनल ये लुक है यहाँ से। और ये जो है लक्ष्मी पूजा में हम लोग लगाते हैं, लक्ष्मी पूजा तो इस बार अच्छा से कर नहीं पाई थी, मम्मी का तबीयत खराब हो गया था। तो गाइस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, शनिवार का दिन, तो देखिए मेरे पेड़ में कितना जवा फूल हो रखा है। मेरा मम्मी सुबह गए हैं, मैं कैमरा कर रही हूँ, मम्मी फूल तोड़ रहे हैं, तो देखिए कितना लाल लाल जवा फूल हो रखा है। हमारा ये वाला पूरा गेट के सामने ही है, रोज होता है। और ये वाला फूल कितना बड़ा पेड़ है, ये भी रोज ही फूल होता है इसमें। तो मम्मी जब से आए, तो गाइस वीडियो को यहाँ ही एंड करती हूँ, थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए।